भी साथ में सेंड करना है, इसलिए मैंने इसे ड्रॉ करके सेंड किया। अच्छा ठीक ठीक हाउ मेनी स्टूडेंट हैव डॉग एज अ पेट, कितने स्टूडेंट ने किया है? हाँ 8 स्टूडेंट, ठीक है। ये भी नेक्स्ट क्या है, पिक्टोग्राफ को रीड करके, रीड द पिक्टोग्राफ 3.4। यस, उसके बाद आपने उसमें कुछ किया नहीं है, उसको कहाँ दिया, सीधे थर्ड का आंसर है मेरे पास। हाउ मेनी बुक्स आर सोल्ड इन 1989, 19 एंड 92? हाँ तो इसमें जानते हो, इसमें ऐसे नहीं लिखते, लिखते बुक्स आर सोल्ड इन 92, और जो डिजिट है ना वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, समझ में आया? अगर टोटलिंग करना उसी समय कर ले। इन विच ईयर अबाउट 475 किस ईयर में हुआ है? 1990 में, ठीक है। 225 हाँ बोलो मैम, जैसे इसमें बोला इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, तो मैम इसमें हम 1990 को आगे रखेंगे या 475 को? आप 475 इसमें तो सही किए हो, इन 1990 या 225 बुक्स सॉरी 90, हाँ ये सही है फर्स्ट वाला में ना, मतलब ठीक है, लेकिन है ना अगर टोटल बोलेगा तो उसमें करने में प्रॉब्लम होगी, टोटल करने के लिए आपको राइट में सारे डिजिट होने चाहिए। इन विच ईयर वर द fewer than the 250 books sold, वो पता ही है, in which year only 1992 लिखे हो जी? Yes ma'am. इसमें question क्या है? In which year were fewer than 250 से भी कम बुक, 250 से कम बुक तो कब आई है? 1989 में 250 से कम बुक आई है, बाद बाकी में तो आपके अधिक ही है। 1992 जो आप लिख रहे हो उसमें तो 250 बुक्स हैं, फ्यूअर देन 250 1989 होगा, करेक्शन करो। कर लिया, इन 1989 वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। हाँ उसके बाद फिर ये नंबर ऑफ द चिल्ड्रन डेटा इसका रिप्रेजेंट किए नहीं हो मैम, किया है मैम, भेजा भी आपको। हाँ 10, 20, 30, 120, 120 फिफ्थ का डेटा देखो आपने कितना लिखा है, 125 जबकि 135, बार देखना बार गलत बनी है बेटा, फिफ्थ का बार रिप्रेजेंट हो रहा है 125 जबकि फिफ्थ 130, यानी 30 और 40 के बीच में बनना था, दिख रहा है फिफ्थ का मैं फिफ्थ पार्ट ना, थर्ड का थर्ड क्वेश्चन का बार 120 ठीक है, 95 भी ठीक है, 100 भी ठीक है, आपका रेस्ट ठीक है। अच्छा ऐसे क्वेश्चन हो ना जहाँ पे 50 तक का तो कोई डेटा दिया हुआ ही नहीं है, हम उतने लंबे बार ग्राफ देखो कितना लंबा बार ग्राफ बन गया, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, पूरी कॉपी भर जाती है, तो जब आप देखते हो क्या कि इनिशियल डेटा की कोई जरूरत नहीं है तो हम इनिशियल डेटा नहीं देते हैं, ओके तो उसके बदले हम देंगे क्या, गिर जाएगा।
उसके बदले हम क्या देंगे, जैसे ये वाला डेटा है ना, तो यहाँ पे कितने से स्टार्ट हो रहा है, 80 से। अब 80 से तो हम स्टार्ट करेंगे नहीं, ओके। तो कैसे किया जाता है देखिए, जब हम बार ग्राफ बनाते हैं हॉरिजेंटल लाइन, तो हॉरिजेंटल लाइन होगा, वर्टिकल लाइन बनाएंगे ना, तो ऐसे बनाएंगे ये चीज जो है ना ये, ओके ऐसे बनाते हैं। अब हम यहाँ पे कहाँ से डेटा स्टार्ट है, नीचे से 80 से है, तो बिल्कुल जहां से डेटा स्टार्ट है वहां से ही नहीं देंगे, थोड़ा हम उससे पहले दे देंगे, यानी हम 50 से दे दें, ओके। तो हम यहाँ पे 50 लिखो, फिर 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, ओके। हमको टेन वेन का नहीं देना पड़ा, तो ये ब्रेकेज होता है। ये ब्रेकेज मतलब क्या कि हम बिल्कुल इनिशियल से नहीं चल रहे हैं, चल तो वही रहा है लेकिन हम उतना रोक करके फिर चल रहे हैं, ओके। तब फिर आप यहाँ से अपना बार बनाओगे, तो उसके लिए ये जो साइन है ये दिया जाता है इस तरीके से, ब्रेकेज साइन दिख रहा है इससे आपका। जैसे अभी इसमें बार ग्राफ बहुत बड़ा हो गया ना, तो उतना बड़ा बार ग्राफ नहीं होगा, गॉट इट? ब्रेक का साइन से आ गया, ओके मैम। मतलब कंपलसरी नहीं है कि मतलब जो डाटा है वो जीरो से स्टार्ट हो, हाँ कंपलसरी नहीं है कि जो डाटा है वो जीरो से स्टार्ट हो, नहीं जैसे हाँ कंपलसरी जरूरी नहीं है जीरो से हो। अगर मान लो जीरो से जैसे इसमें दे रहे थे, तो हमारा तो 60 तक का फालतू जा रहा था, बहुत लंबा आपका बार ग्राफ बन रहा था, तो इस तरीके से दे देंगे तो ये ब्रेक हो गया, ओके। फिर हम 50, 60 वन स्केल वैसे ही लिखेंगे, वन स्केल 10 यूनिट, ओके। स्केल विस्केल सब दोगे, बस ये आप दे दोगे। ये क्लास ऐसे सेवंथ में पढ़ाना चाहिए, जब देता देता एट में तो पढ़ाता है, ये चीज को पढ़ाया जाता है। तो जितने डेटा अगर उतने पुराने हो ना, देखो कितने ये बड़े हो गए हैं आपके, है ना, ऐसे नहीं होंगे, सीधे ब्रेक करके फिर दे देना। स्केल वैसे ही लिखोगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, 10 क्या 10 10 क्या था मैम, 10 स्टूडेंट्स, यस मैं लिखा नहीं, हाँ 10 स्टूडेंट मेंशन करना था, ठीक मैं आप लिख दिया, 10 क्या होगा वो समझ में, ठीक है ये कर लिया आपने। इस पे क्वेश्चन आंसर कहाँ पे रखते हो, इसकी क्वेश्चन मैम उससे पहली वाली पिक में, हाउ वुड यू चूज अ स्केल, इसका मैम वो मैंने काट दिया, वो लिखा नहीं, नहीं मिला है आंसर। द विच क्लास मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 5th एंड मिनिमम नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन क्लास 10th। रेशियो भी निकालोगे, जो चीज नहीं किया हो ना अभी करो, करके दिखाओ मुझे। ये थर्ड तीसरा का बार ग्राफ जैसे मैंने बोला वैसे बना लो और करके दिखाओ। Thank you.
मैं 2 मिनट अभी कुछ लेके आया। हो गया 2 मिनट। Thank you.
क्वेश्चंस कर रहा हूँ। हो गया मैं वो क्वेश्चन कर रहा हूँ विच क्लास इज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड टेंथ क्लास। अब मैं याद रखो अभी तुरंत ही पढ़े हैं तुरंत भूल मत जाओ रेशियो प्रोपोर्शन। मैंने आपको सेंड किया था तो आपने बोला कि रेशियो नहीं निकला इसलिए मैं दोबारा से कंफ्यूज हो गया। हाँ अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका डबल बार। नेक्स्ट आपका डबल बार ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 4। यस मैम डबल बार ग्राफ का मुझे कहीं नहीं दिख रहा। डबल बार ग्राफ नहीं बनाया ना तुम अलग अलग बार ग्राफ बनाओ। जब हमें दो इन्फॉर्मेशन मिलेगी तब हमें डबल बार ग्राफ बनाने हैं। ओके डबल बार ग्राफ में आप ये बताओगे क्या कि एक बार किसको रिप्रेजेंट करता है दूसरे बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको डबल बार कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये डबल बार है। ओके स्केल तो हम देते ही थे ये एक जैसे मार्गेट ने क्या किया मार्गेट का क्या क्या है जनवरी फरवरी में और एबरडीन का क्या रिपोर्ट है तो ये दो का यहाँ पे आप बार कौन सा बार किसको रिप्रेजेंट करते हैं दोनों बार में से एक बार आपका ऐसे ब्लैंक रखते दूसरे को सेट करते हैं या फिर लाइन कर दो या डॉट डॉट कर दो। सेट कम करते हैं क्योंकि सेटिंग में बहुत टाइम लगती है तो डॉट कर दो या लाइन लाइन कर दो समझे तो फिर आपका हो जाएगा। तो इसको डबल बार में बनाओ ये जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 4 ये डबल बार वैसे बनेगा अलग अलग बार ग्राफ नहीं। हाँ जैसे मैं बताती हूँ जैसे मान लो यही है चलो यहाँ पे जैसे एक आपका एक बार बनाओगे और साथ में उसके दूसरा बार भी बना दोगे और सपोज दूसरे बार में लाइनिंग कर दोगे। ओके यहाँ पे उसका वैल्यू देख ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का और ये लाइनिंग वाले का क्या कर दोगे सेकेंड टर्म का। ओके और जैसे वैल्यू है वैसे ही आप करते जाओगे इसी तरीके से बनेगा बार ग्राफ। Got it? करके बना के दिखाओ क्वेश्चन नंबर 4 करो।